Hello students, so in your previous class we have studied about the problem sums of chapter number 3, give and take. Now we are going to start some new topic in this chapter, so pay attention. This question number 4, fill in the empty box will be available in your practice book. Here we have to find out the number which is not given. Okay, आपको वहाँ पे एक बॉक्स दिया गया होगा जिसमें नंबर नहीं लिखा होगा. So we have to find out that number. So let's take the example number 1. 56 plus box is equals to 88. Now we have to find out the number in this box. अब इस बॉक्स में हमको नंबर नहीं दिया हुआ है. Then what we will do? We have to find out this number. Yes. We are having two numbers over here, 56 or 88 हमारे पास है. So what we will do? We will use these two numbers to find out the number which is missing. ठीक है, हम ये दो number के help से जो missing number है वो find out करेंगे. So see here what I will do. I will take this 56 over there. अभी दोनों number को साथ में तो लाना पड़ेगा ना हमको. Yes. So what we will do? I will take this 56 number over there. मैं क्यों बॉक्स को नहीं लेके जा रही हूँ? Because box के आगे plus sign है, तो box वहाँ पे रह सकता है. अब ये plus sign और minus sign का क्या problem है? The thing is, अभी हम लोग सीख रहे हैं about sign changing. Okay, जब भी आपका कोई भी number यहाँ पे plus sign में होगा, अगर आप उसको is equals to के वहाँ लेके जाओगे, तो वो हो जाएगा माइनस. ओके, कोई भी प्लस साइन इज इक्वल्स टू के पहले हुआ लाइक दिस. ओके, लाइक दिस नंबर प्लस साइन, इफ आई विल टेक दिस नंबर ओवर देयर, तो ये हो जाएगा साइन चेंज और ये हो जाएगा माइनस में. ओके, ये चीज आप याद रखिएगा. सेम वे अगर यहाँ पे ये माइनस होता तो ये इज इक्वल्स टू के वहां अगर मैं लेके जाती तो ये साइन चेंज हो जाता प्लस में. ओके, ये चीज आप याद रखिएगा. प्लस साइन है इज इक्वल्स टू के उस साइड लेके गए तो हो जाएगा माइनस, और माइनस साइन है इज इक्वल्स टू के वहां लेके गए तो हो जाएगा प्लस साइन. ओके, सो हियर आई एम टेकिंग दिस 56 नंबर टू 88 नंबर के पास में उसको लेके जा रही हूँ. यस, तो आई विल राइट डाउन बॉक्स इज इक्वल्स टू, आई विल राइट डाउन बॉक्स इज इक्वल्स टू 88 माइनस 56. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो कोई साइन दिया नहीं है. बट नो, इफ देयर इज नो साइन गिवन हियर दैट मींस ये प्लस साइन में, अगर वहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया गया है दैट मींस कि वो प्लस साइन में, अगर वो माइनस साइन होता तो वहाँ पे वो शो करता. ओके, बट वहाँ पे माइनस साइन नहीं शो किया दैट मींस वो प्लस साइन है. इसलिए मैंने जब 56 को यहाँ पे लेके गई तो ये 56 कहाँ साइन चेंज कर लिया, माइनस में. यस, इट चेंज इनटू माइनस साइन. नाउ यू कैन, यू हैव दिस नंबर, हमने एडिशन सबट्रैक्शन इस वे में भी किया था. यस, नाउ यू आर हैविंग दिस नंबर, तो हम इसको उस फॉर्म में लिख देंगे 88 माइनस 56. नाउ दैट यू हैव गॉट दिस, अब हम सॉल्व कर सकते हैं. यस, हम सॉल्व कर सकते हैं. हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बैक नंबर. यस, सो 8 माइनस 6 हाउ मच विल बी, काउंट करो. 8 माइनस 6, दिस इज योर 8, यू हैव टू माइनस हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स. सो लेट्स डू दिस, 1 2 3 4 5 एंड 6, हाउ मेनी लेफ्ट, हाउ मेनी लेफ्ट हियर, नंबर 2. यस, नंबर 2, सो वी विल राइट ए नंबर 2. नाउ अगेन वी हैव टू माइनस 8 minus 5, so what we will do, we having 8 numbers, so we have to cut how much, 5, 1, 2, 3, 4 and 5. Now that we got is number 3, so we will write a number 3, so this will be your answer. Okay, so this will be your, so this will be your answer. Ab is 32 number ko आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड यू कैन चेक 56 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 88 है कि नहीं. ओके, यू कैन चेक आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो नाउ
दिस वॉज द सिंपल सम. ओके, सिंपल एडिशन वाला सम था. नाउ वी आर मूविंग टू सम. नाउ वी आर मूविंग टू द कैरी वन. ओके, अब हम कैरी एंड डॉट वाला सम करेंगे. सी अब हमको कैसे पता चलेगा दिस इज कैरी एंड डॉट. सेम हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, देन वी विल फाइंड आउट कि आपको कौन से प्रोसेस में पता चलेगा. ओके, नाउ ये द नंबर इज 55 प्लस बॉक्स इज इक्वल्स टू 91. 55 प्लस बॉक्स इज इक्वल्स टू 91. नाउ अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस नंबर 55 ओवर 91. 55 को मैं लेके जाऊंगी 91 के पास. नाउ आई कैन राइट बॉक्स इज इक्वल्स टू 91 माइनस 55. बॉक्स इज इक्वल्स टू 91 माइनस 55. अब मेरे पास एक नंबर आ गया टू सॉल्व द सम. यस, सो आई विल राइट इट डाउन हियर 91 माइनस 55. नाउ अब ये कैरी एंड डॉट वाले सम से कैसे पता चला, बिकॉज नंबर 1 इज स्मॉल एंड 5 इज बिग, सो हम माइनस नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, हम बोरो लेंगे किसके पास से, नंबर 9 के पास से. सो नंबर 9 में से एक नंबर बोरो किया तो उधर क्या हो जाएगा, 8. यस, 8 वहां पे आ जाएगा और हमने 1 को दिया, सो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 11. नाउ यू कैन माइनस 11 माइनस 5 वी कैन डू, यस वी कैन डू. सो 10 फिंगर्स प्लस 1, सो 1 2 3 4 एंड 5, वी गॉट नंबर 6. यस वी गॉट नंबर 6, सो वी कैन राइट डाउन हियर नंबर 6. नाउ वी आर हैविंग 8 माइनस 5, अगेन वी हैव टू, दिस मच इज 8, वी हैव टू माइनस 5. 1 2 3 4 एंड 5, सो हाउ मच यू लेफ्ट, नंबर 3 यू लेफ्ट, सो राइट डाउन हियर नंबर 3. ओके, सो दिस वाज योर आंसर एंड द क्वेश्चन where you are having the box on the second number. आपके second number में वो box था. Now we are going to learn about the new question जहाँ पे box आपका change हो जाएगा. Let's see box कहाँ पे. Okay. Box plus 15 plus 78. अभी देखो, last time जो हमने example किया था, box हमारा second number पे था इस side. अब box चला गया इस side. So solution change हो जाएगा. Let's see. I don't think solution change हो जाएगा. No, the solution will be the same. The method will be the same. हमारे पास box है, empty box है. हमको दो number already दिए हुए हैं. So हम भी दो number के help से इस box को हम लोग find out कर सकते हैं. आपका number हम लोग find out कर सकते हैं. So what I will do? I will take this प्लस साइड 15 ओवर 78 के पास, है ना. 15 के नंबर को मैं 78 के पास लेके जाऊंगी. सो मेरे पास क्या क्वेश्चन आ जाएगा, बॉक्स इज इक्वल्स टू 78 माइनस 15. यस, बॉक्स इज इक्वल्स टू 78 माइनस 15. अब मेरे पास एक सम आ गया 78 माइनस 15. यस, सो आई कैन राइट दिस हियर 78 माइनस 15. सो You can minus this. Yes, you can minus this because 8 bada hai and 5 chota hai. So we can start minusing this. This is 8. We have to cut how much? 5. So let's count. 1, 2, 3, 4 and 5. What you left? Number 3. Number 3 bach gaya. So we will write here. Yes, now we are having 7 minus 1. So what we will do? This much is 7. Minus 1, how much left? Number 6. So we will write here number 6. So this is your answer. If you want to check, aap is box, empty box mein 63 ko likh ke plus 15 karoge, aapko 78 answer mil jayega. You can check. Okay. Ab ye hamara kya tha? Simple sum. Ab hum carry and borrow wale sum dekhenge. Okay, सेम वे जब यहाँ पे बॉक्स होगा तो कैरी एंड बोरो वाले सम कैसे करेंगे, वी विल सी दैट. ओके, द क्वेश्चन इज बॉक्स प्लस 35 इज इक्वल्स टू 70. बॉक्स प्लस 35 इज इक्वल्स टू 70. नाउ द सेम मेथड, आई विल टेक दिस 35 जो प्लस में है ओवर हियर, ठीक है, 70 के पास लेके जाऊंगी. तो हमको क्या मिलेगा,
Box is equals to 70 minus 35. Box is equals to 70 minus 35. हमको अभी एक सम मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया. नाउ यू विल राइट दिस 70 माइनस 35. अब माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज जीरो ऊपर छोटा है एंड 5 नीचे बड़ा है. सो जीरो में से कोई चीज माइनस नहीं हो सकता. सो व्हाट विल डू? वी विल बोरो किससे? नंबर 7 से. यस. सो कट हियर एंड राइट इट हियर डाउन. 6 हमने ऊपर लिख दिया. 6 जीरो को कट किया और हमने क्या लिख दिया? नंबर 10. यस. नाउ यू कैन माइनस. 10 में से 5 माइनस हो सकता है? यस. सो लेट्स सी हियर. 10 वी विल कट. 1 2 3 4 एंड 5. हाउ मच लेफ्ट? नंबर 5. सो राइट इट हियर डाउन नंबर 5. नाउ वी आर हैविंग 6 माइनस 3. सो वी आर हैविंग 6 फिंगर्स. सो टेक इट डाउन एंड लेट्स काउंट. 1 2 एंड 3. हाउ मच लेफ्ट? कितना लेफ्ट हुआ? नंबर 3. सो वी विल राइट इट डाउन हियर नंबर 3. ओके. सो दिस वाज द क्वेश्चन जहां पे एक साइड में बॉक्स था एंड नेक्स्ट साइड में बॉक्स था और ये एडिशन में था. ठीक है. दिस वाज सिंपल एंड इजी. नाउ आई विल टीच यू क्या होगा जब यहाँ पे साइन माइनस का होगा. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. मेरे पास बॉक्स है माइनस 34 इज इक्वल्स टू 22. नाउ हमारे पास अभी यहाँ पे साइन चेंज हो गया. यहाँ पे पहले था प्लस, नाउ इट केम एज माइनस. सो क्या करेंगे हम? माइनस को अगर हमें इज इक्वल्स टू के वहां लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन प्लस हो जाएगा. ओके, रिमेम्बर दैट कोई भी साइन यहाँ पे माइनस होगा तो अगर इज इक्वल्स टू के वहां लेके गई तो फिर क्या हो जाएगा? प्लस. अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या हो जाता? अगर मैं इक्वल्स टू के वहां लेके जाती तो माइनस. ओके, याद रखना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. ओके, सिंबल. नाउ आई विल टेक दिस 34. मैं 34 को वहां लेके जा सकती हूँ इसलिए मैं लेके जा रही हूँ. तो मैं 34 को वहां लेके जाऊंगी 22 के पास. सो क्वेश्चन विल बी बॉक्स इक्वल्स टू 22 प्लस 34. अब क्या आ गया हमारे पास? एडिशन. इतने टाइम तक हमने एडिशन का क्या किया? सब्ट्रैक्शन. अभी सब्ट्रैक्शन का हम क्या करने जा रहे हैं? एडिशन. ओके, सो अभी हमारे पास एक नंबर मिल गया 22 प्लस 34. यस. सो वी कैन सॉल्व इट. 22 प्लस 34. सो नाउ वी आर हैविंग दिस. हम ऐड कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं. सो वी विल डू, वी विल स्टार्ट एडिंग फ्रॉम बैक नंबर, दैट इज 2 प्लस 4. तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, सो वी विल राइट इन नंबर 6. नाउ वी आर हैविंग 2 प्लस 3. सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. 2 इज ऑलरेडी देयर. 3, 4 एंड 5. यस, सो वी विल राइट इन नंबर 5. सो दिस इज अ आंसर. 56 इज अ आंसर. अब इस 56 को आप यहाँ पे लिख के, 56 को ये जो क्वेश्चन का बॉक्स है यहाँ पे लिख के माइनस 34 कर सकते हो तो आपको आंसर 22 मिल जाएगा. ओके, दिस वॉज द नॉर्मल सम. अभी हम कैरी एंड डॉट वाला सम देखते हैं. ओके, बॉक्स माइनस 44 इज इक्वल्स टू 48. ओके, नाउ वी आर हैविंग बॉक्स माइनस 44 इज इक्वल्स टू 48. क्वेश्चन में यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस, बट एज सून एज यू विल सॉल्व इट आपको पता चल जाएगा ये कैरी वाला है या ब्रॉट वाला है. ओके, सो सेम मेथड, मैं इस 44 को लेके जाऊंगी 48 के पास तो मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा बॉक्स इज इक्वल्स टू 48 प्लस 44. ओके, बॉक्स इज इक्वल्स टू 48 प्लस 44. अब हमारे पास एक सम आ गया. नाउ वी कैन सॉल्व इट. यस, सो वी विल राइट हियर 48 प्लस 44. अब हम इसको ऐड कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं. सो लेट्स काउंट. वी आर हैविंग 8 प्लस 4. सो लेट्स डू इट. 8 इज ऑलरेडी देयर. हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू काउंट? 4 टाइम्स. सो 9, 10, 11 एंड 12. अब हमको मिल गया नंबर 12. सो हम क्या लिखेंगे? 1 अप एंड 2
down, one up and two down. Okay, this is our 12. अब हमारे पास है 4 + 4 + 1 भी आ गया. Yes, so we can do 4 + 4 first we will do. Okay, 4, 5, 6, 7 and 8 + 1 will be 9. So we will write here 92. अब इस 92 को आप इस बॉक्स में जो क्वेश्चन वाला बॉक्स उसमें लिख के -44 = 48 कर सकते हो. जैसे 92 - 44 करोगे तो आपको 48 आंसर मिल जाएगा. ओके, सो दिस वाज द वन फॉर्म जहाँ पे हमने सबट्रैक्शन सीखा जब बॉक्स आगे था. अब हम देखेंगे जब बॉक्स पीछे होगा तब क्या होगा. ओके, लेट्स सी हियर. 72 - box = 31. 72 - box = 31. अब आप सोचोगे मैम ये तो सेम सम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सॉल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम तो सेम मेथड फॉलो कर देंगे. बट नो, पे अटेंशन हियर. अभी आप बोलोगे कि मैं इस नंबर को वहां लेके जाऊंगी, ठीक है, यू विल से दिस कि मैं 72 को वहां लेके जा सकती हूँ. बट थिंक दैट अगर मैं 72 को वहां पे लेके गई 31 के पास, तो हमारे पास आंसर बचेगा माइनस box = 31 - 72. ओके, यहाँ पे भी माइनस आ गया बॉक्स के सामने, ये नहीं हटेगा. अगर वो पॉजिटिव होता तो हम नहीं शो करते, चलता, बट ये माइनस का साइन है सो हमको वहां पे दिखाना पड़ेगा. अब बॉक्स के आगे हमारे पास आ गया माइनस का साइन और 31 - 72 हो सकता है. सी, 31 में से -70 हो सकता है? नहीं हो सकता. सो व्हाट वी विल डू, जब बॉक्स यहाँ पे और उसके आगे माइनस का साइन होगा, वी कैन डू दिस, हम इस बॉक्स को 31 के पास लेके जाएंगे. ओके, बिकॉज बॉक्स का साइन माइनस है, अगर हम 31 के पास लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा एंड इट विल टर्न टू प्लस साइन. अब 31 में से बॉक्स तो माइनस हो नहीं सकता, सो व्हाट वी विल डू, हम उस 31 को वहां पे लेके जाएंगे. ओके, we will take this 31 over there. तो क्या हो जाएगा, 72 - 31 = box. okay, अब हम इसको solve कर सकते हैं. मैंने उस box को 31 के जगह पे रख दिया और 31 को box के जगह पे रख दिया, तो ये minus का sign वहीं रहा और ये 31 वहाँ पे sign change करके आ गया और ये box ने भी वहाँ पे sign change करके चला गया और क्या बन गया, वो प्लस साइन बन गया. ओके, अब हमारे पास आगे एक सॉल्यूशन 72 - 31 आ गया. नाउ वी कैन राइट हियर 72 - 31, हम सॉल्व कर सकते हैं. यस, हम सॉल्व कर सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट माइनसिंग फ्रॉम द लास्ट नंबर दैट इज 2, 2 - 1. सो व्हाट इट विल बी, 2 - 1 कितना हो गया, 1. यस, अब हमारे पास है 7 - 3. सो काउंट हियर, दिस इज 7 - 3 कर देंगे 1, 2 and 3. कितना बचा हमारे पास, नंबर 4 नंबर बचा. ओके, नंबर 4 नंबर बचा हमारे पास. सो वी विल राइट हियर नंबर 4. सो वी गॉट नंबर दैट इज 41 हमको मिल गया. अगर आप 42 - 41 करोगे आपको 31 आंसर मिल जाएगा. ओके, दिस वाज अ सिंपल सम. यस, अब हम देखेंगे कैरी ऑन ब्रॉट वाला सम. 62 - box = 17. 62 - box = 17. नाउ व्हाट यू विल डू, आपको जैसे यहाँ पे बताया था बॉक्स को हम लेके जाएंगे 17 के पास एंड 17 विल कम इन द बॉक्स पोजीशन, वो बॉक्स के साइड में चला जाएगा. ओके, now we can write here 62 - 17 = box. 62 - 17 = box. अब हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया. now we can do minus. 62 - 17 कर सकते, क्या प्रॉब्लम आया, यहाँ पे आया कि 2 छोटा है और 7 बड़ा है. so what we will do, we will borrow, हम लोग borrow करेंगे कहाँ से, 6 से. yes, 6 को कट करके ऊपर मैंने लिख दिया नंबर 5, एक नंबर कट करके
एंड 2 को कट करके लिख दिया मैंने 12, क्योंकि वहां पे हमने एक नंबर दे दिया. नाउ वी कैन माइनस 12 माइनस 7 वी कैन डू. यस लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. दिस इज नंबर 10 प्लस 2 दिस इज 12. यस सो काउंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7. हाउ मच लेफ्ट, कितना बचा? नंबर 5. सो वी विल राइट ये नंबर 5. नाउ वी हैविंग 5 नंबर्स. सो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? नंबर 4. सो वी विल राइट ए नंबर 4. सो हमको आंसर मिल गया 45. नाउ 62 माइनस 45 करके आप आंसर चेक कर सकते हो कि आपको 17 मिल रहा है कि नहीं. ओके सो दिस वॉज ओनली द टू डिजिट नंबर्स जो हमने अभी किया इन एडिशन एंड इन सब्ट्रैक्शन. ओके नाउ वी आर मूविंग टू न्यू टॉपिक जहां पे आप देखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 12 इन योर प्रैक्टिस बुक. क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द एम्प्टी स्पेस. जैसे हमने अभी के सम्स किए उसमें अभी आ जाएगा हमारा थ्री डिजिट सम्स. ठीक है, हमने अभी तक टू डिजिट किए, अब हमारे पास आ जाएगा थ्री डिजिट सम. सो सी द क्वेश्चन हियर थ्री. सो सी द क्वेश्चन हियर 634 प्लस बॉक्स इज इक्वल्स टू 887. ओके 634 प्लस बॉक्स इज इक्वल्स टू 887. अब हमारा क्या प्रोसेस था? यहाँ पे प्लस साइन है बॉक्स के आगे. यस तो हम क्या करेंगे, बॉक्स को वहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो हम कर पाएंगे? नो हम नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट विल डू, हमारे पास 634 है तो हम इस 634 को उधर लेके जाएंगे. ठीक है, खाली जो माइनस का साइन अगर बॉक्स के आगे आता है तो ही बॉक्स वहां पे जाएगा, वरना हम सिर्फ नंबर को वहां पे लेके जाएंगे. ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ 634 को हम लोग ने लेके गए 887 के पास. सो आई कैन राइट हियर बॉक्स इज इक्वल्स टू 887 माइनस 634. ओके नाउ वी हैव गॉट वन नंबर, सॉल्यूशन मिल गया. वी कैन डू दिस 887 माइनस 634. हम इसको माइनस कर सकते हैं? यस हम कर सकते हैं, बिकॉज 7 इज बिग एंड 4 इज स्मॉल. सो वी विल काउंट हियर, दिस इज 7 1 2 3 एंड 4. तो कितना बच गया? नंबर 3 बच गया. सो वी विल राइट ए नंबर 3. नाउ वी कैन माइनस 8 माइनस 3 कर सकते हैं? यस हम कर सकते हैं. सो दिस इज 8 माइनस 1 2 एंड 3. हाउ मच लेफ्ट, कितना बचा? नंबर 5. सो वी विल राइट ए नंबर 5. नाउ अगेन इट्स देयर 8 माइनस 6. सो लेट्स काउंट हियर, दिस इज 8 माइनस 1 2 3 4 5 एंड 6. कितना बचा? नंबर 2. यस नंबर 2. सो वी विल राइट ए नंबर 2. सो आंसर दैट वी गॉट इज 253. अब आप इस 253 को यहां पे लिख सकते हैं और 634 से प्लस कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हो कि आपको 885 आंसर मिल रहा है कि नहीं. ओके दिस वॉज द सिंपल सम. अभी हम आ जाते हैं व्हाट यू विल डू अगर आपके यहाँ पे कैरी वाले सम्स आ जाएंगे. ओके सो आई हैव टेकन योर 248 प्लस बॉक्स इज इक्वल्स टू 406. ओके 248 प्लस बॉक्स इज इक्वल्स टू 406. अभी अगेन द सेम मेथड, मैं 248 को लेके जाऊंगी 406 के पास. तो मैं लिख सकती हूँ बॉक्स इज इक्वल्स टू 406 माइनस 248. यस ओके सो हम इसको हम माइनस कर सकते हैं? यस हम कर सकते हैं. 406 माइनस 248. सो हम अभी 6 में से 8 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो व्हाट वी विल डू, जीरो में से बोरो करेंगे? जीरो के पास तो कुछ नंबर नहीं है, तो हम उसके आगे वाले नंबर के पास से फाइंड आउट करेंगे, दैट इज नंबर 4. तो हमने उस 4 में से एक नंबर बोरो कर लिया, तो वहां पे हम लिख देंगे 3. अब हमको 0 को भी एक नंबर देना पड़ेगा और 6 को भी एक नंबर देना पड़ेगा. सो व्हाट विल डू, हम 0 को 10 नहीं देंगे, नंबर
नाइन, एक नंबर छोटा देंगे, ठीक है, हम 10 नहीं देंगे, नंबर 9, और 6 को हम दे देंगे पूरा एक नंबर, दैट इज 16, ओके। अभी 0 को हमने दिया नंबर 9 और 6 को दे दिया हमने नंबर 16। अब क्यों ऐसे? जस्ट थिंक, अगर यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर होता है ना, और 10 में से अगर हम लोग को 16 को देना होता, तो हम यहाँ पे नंबर 9 ही लिखते, राइट? यस, नंबर 9 ही लिखते, दैट्स व्हाई। ओके, सो हमने यहाँ पे दे दिया नंबर 9, हम लोग यहाँ पे 10 नंबर नहीं दे सकते, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन यू नंबर 9। अब हमारे पास 16 है, 16 - 8 हम कर सकते हैं, सो वी विल स्टार्ट काउंटिंग। दिस इज नंबर 10, और ये हमारे पास हो गया 6, 10 + 6 हो गया हमारे पास 16। अब हम कट कर सकते हैं 8, सो लेट्स डू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो कितना बच गया? नंबर 8, यू कैन काउंट योर 5 and 3, दैट इज 8। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर 8। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 9 - 4, सो दिस इज नंबर 9, तो हम इसमें से कितना कट करेंगे? 4। दिस इज नंबर 9, तो हम इसमें से कितना कट करेंगे? नंबर 4। तो 1, 2, 3 and 4, हाउ मच वी गॉट? नंबर 5, सो वी विल राइट ए नंबर 5। अब हमारे पास क्या है? 3 - 2, ये कर सकते हैं हम लोग, दिस इज 3 - 1 and 2, कितना बचा? नंबर 1, सो वी विल राइट ए नंबर 1, ओके। सो दिस वॉज अ सम जहां पे आपको बॉक्स दिया हुआ था सेकेंड प्लेस पे, सेकेंड नंबर पे, ओके। अब हम देखते हैं बॉक्स अगर फर्स्ट प्लेस पे दिया जाएगा, सो व्हाट इट विल बी। सो वी विल राइट द क्वेश्चन, बॉक्स इज इक्वल्स टू 232 इज इक्वल्स टू 953, ओके। 232 इज इक्वल्स टू 953। अब द सेम प्रोसेस, हम नंबर को लेके जाएंगे वहां पे, तो 232 को हम लेके जाएंगे 953 के पास, और साइन क्या हो जाएगा? चेंज। साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स इज इक्वल्स टू 953 - 232, ओके। 953 - 232, नाउ हमको एक नंबर मिल गया, नाउ वी कैन माइनस 953 - 232। अब आप कर सकते हो माइनस, यस। सो लेट्स काउंट हियर, दिस इज 3 - कितना करना है हमको? 1 and 2, सो हमको कितना मिला? नंबर 1, सो वी विल राइट ए नंबर 1। अब हमारे पास है 5 - 3, सो व्हाट यू विल डू? दिस इज नंबर 5, अब उसमें से कितना कट करना है? 1, 2 and 3, तो कितना बच गया हमारे पास? नंबर 2, सो वी विल राइट ए नंबर 2। अब हमारे पास है 9, में से कितना कट करना है हमको? 2, सो वी विल कट ये 1 and 2, कितना बच गया हमारे पास? 7, सो वी विल राइट ए नंबर 7, ओके। दिस वॉज द सिंपल सम। अभी हम करेंगे कैरी एंड गॉट सम, ओके। सो बॉक्स प्लस 129 इज इक्वल्स टू 853, बॉक्स प्लस 129 इज इक्वल्स टू 853। सेम प्रोसेस, हम नंबर को लेके जाएंगे इज इक्वल्स टू के बाद, तो हमने 129 को लेके गए कहाँ पे? 853, और साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा? माइनस। सो राइट ये बॉक्स इज इक्वल्स टू 853 - 129, यस, बॉक्स इज इक्वल्स टू 853 - 129। अब हमारे पास एक सम आ गया, सो वी कैन सॉल्व इट, यस। तो हम लिख देंगे 853 - 129। अब हम माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वाई? बिकॉज 3 इज स्मॉल एंड 9 इज बिग, सो हम वो माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? बोरो। बोरो कहाँ से करेंगे? नंबर 5 से, यस। नंबर 5 के पास है नंबर, सो वी विल बोरो फ्रॉम दैट। तो 5 को कट करके मैंने लिख दिया नंबर 4, और 3 को कट करके लिख दिया नंबर 13, हमने प्लस 1 कर दिया, ओके। हमने वहां पे 1 नंबर दे दिया। नाउ वी हैविंग 13, 13 - 9 कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। सो दिस इज 10 + 3, दैट इज 13। अब इसमें से माइनस करो,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. कितना बच गया हमारे पास? नंबर 4. सो वी विल राइट ए नंबर 4. नाउ वी हैव टू माइनस 4, माइनस 2. सो दिस इज नंबर 4. इसमें से कितना माइनस करना है हमको? 1 एंड 2. कितना बच गया हमारे पास? नंबर 2. सो वी विल राइट ए नंबर 2. नाउ वी आर हैविंग नंबर 8. 8 में से कितने माइनस करना है हमको? 1. तो कितना बच गया हमारे पास? नंबर 6. सॉरी, कितना बच गया हमारे पास? नंबर 7. सो वी विल राइट ए नंबर 7. सो हमको मिल गया 724. अब आप 724 को अगर इस बॉक्स में लिखो प्लस 129 करोगे तो आपको 853 आंसर मिल जाएगा. ओके, दिस वॉज द थ्री डिजिट एडिशन सम. सब्ट्रैक्शन इसका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ एडिशन सम सीखना है. ओके, नाउ So here we have completed our topic. I will send you the PDF file. You have to copy down in your notebook and you have to practice it well, okay? Thank you.